वेलकम टू माय चैनल दमयंती ज्ञान, शिखर तक ले जाने वाला शिक्षक और विद्यार्थियों के रिश्तों की महिमा आदिकाल से है, पर आज इन दोनों के रिश्ते कुछ डगमगा से गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चर्चा करना चाहूँगी पुनः कैसे इन दो इम्पोर्टेंट रिश्तों को मजबूती दी जा सके। तो आइए नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चर्चा करना चाहूंगी टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिश्तों पर, जो बड़े अहम हैं। चर्चा बड़ी जरूरी भी है, क्योंकि आज इन दोनों के रिश्तों में कुछ खामियां नजर आ रही हैं। एक तो उनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी ओर कहीं कहीं कुछ अनुचित घटनाएं भी घट रही हैं, जो बड़े दुखद हैं। वैसे देखा जाए तो आज टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिश्ता महज ABCD हो गया है। दिस इज इक्वल टू दैट एंड दैट इज इक्वल टू दिस में ही सिमट कर रह गया है। माँ एक बच्चे की नींव रखती है, तो टीचर उस बच्चे को कुम्हार की तरह करता है, दिशा प्रदान करता है, जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। तो फिर दोनों के बीच रिश्ते कैसे हो? पहली गौर फरमाने वाली बात है आपसी विश्वास, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी है। रिसर्च बताते हैं अक्सर स्टूडेंट्स अपने टीचर को रोल मॉडल मानते हैं, और यह सच भी है, मेरा निजी अनुभव भी है। इसलिए अब यह टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वह कैसे अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास को दृढ़ता से कायम करे। दूसरी अहम बात, टीचर का दोस्ताना व्यवहार और वार्तालाप। जी हाँ, आपने भी महसूस किया होगा, अक्सर स्टूडेंट्स के मन में अपनी टीचर्स के प्रति डर और शंका छिपे होते हैं। तो ऐसे में टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार से, बड़े अपनेपन से बातचीत करें, यहाँ तक कि पढ़ाई के साथ साथ उनसे घुलने मिलने पर भी वक्त दें, उनकी मानसिकता को जानने की कोशिश करें। यह बहुत जरूरी है, टीचर्स अपने हर स्टूडेंट्स को उनके नाम से जाने। ऐसा करने से बच्चों के मन में एक लगाव, अपनेपन की भावना आएगी। इससे बच्चा पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार में भी श्रेष्ठ होगा। स्टूडेंट्स के पास भी उनकी अपनी परेशानियां और समस्याएं होती हैं, जिसे वे अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करते। उन बातों को भी टीचर से शेयर करेंगे। एक टीचर का दोस्ताना व्यवहार स्टूडेंट्स के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनकी सोच को कंपोज करने में काफी मददगार साबित होगी। तीसरी अहम बात को उजागर करना चाहूंगी, गलतियां तो हर कोई करता है और स्टूडेंट्स अनगिनत गलतियां करते हैं। तो ऐसे में टीचर्स बड़ी सावधानी से उनकी गलतियों को हैंडल करें, उन्हें बड़े प्यार से समझाएं, गलतियों को गिनाने के बजाय एहसास कराएं, साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट्स की भी जानकारी दें। टीचर्स की ये सीख उन्हें ताउम्र काम देगी। चौथी अहम पॉइंट, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से बड़ी उम्मीदें, आशाएं रखें, उन पर भरोसा रखें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डिजायर को जगाए, उनके झिझक डर को दूर करने में मदद करें, साथ ही साथ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास कराएं। और यह भी बहुत जरूरी है, टीचर्स बच्चों के मन में कलात्मक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सोच को उत्पन्न करें, जिससे उनके मन में कुछ नया, कुछ अच्छा करने की भावना जागृत हो। पांचवी अहम पॉइंट, हर स्टूडेंट्स अपने आप में खास है।
टीचर्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर ना करें, वरना उनमें कॉम्प्लेक्स की भावना आ जाएगी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पर हर उंगली बड़ी खास होती है। इसलिए टीचर्स बच्चों के भीतर के हुनर को पहचाने और उसे निखारने में उनकी मदद करें। अगर कोई शरारती या कमजोर बच्चा किसी कंपटीशन में स्टैंड करता है तो उसकी तारीफ करना, प्रेरित करना ना भूले, वरना वे डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे। उन्हें स्पेशल फील कराएं, हो सके तो टीचर अपनी तरफ से एक छोटा सा उपहार दे दे। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को पॉजिटिव फील कराने के साथ साथ आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, छात्रों में सृजनात्मक भाव जगाना और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही एक टीचर का सर्वश्रेष्ठ गुण है। अंत में मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, आपको टीचर्स ने किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज का भी ज्ञान दिया है। उन्होंने ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपके जीवन में टीचर्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने ही आपको मोटिवेट, गाइड और केयर किया है। आपके हौसलों को बुलंद किया, आपकी गलतियों को माफ किया, उसे सुधारा, कभी डांट कर तो कभी फटकार कर, तो उससे कहीं अधिक प्यार देकर, राइट? इसलिए स्टूडेंट्स अपनी उपलब्धियों के लिए टीचर्स के प्रति थैंकफुल रहे। मेरा विश्वास है टीचर्स और स्टूडेंट्स की ये भावनाएं उनके रिश्तों को जरूर खास और अहम बनाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करती मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा मुझे आपकी कमेंट्स और सुझाव का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।